हेलो दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपने लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करने का तो सोचा ही होगा, लेकिन इनमें से खुद के लिए अपना पर्सनल कंप्यूटर चूज करना हमेशा ही लोगों के लिए दिक्कत बनी रही है। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यूजर सेगमेंट। देखिए, पीसी और लैपटॉप यूजर्स मेनली तीन कैटेगरीज में आते हैं। पहले आते हैं नॉर्मल यूजर्स, जो वो यूजर्स हैं जिनका वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता और लो स्पेक्स में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज कर लिया तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। फिर आते हैं हैवी यूजर्स, जिन्हें अपने कंप्यूटर्स लॉन्ग आवर तक यूज़ करने होते हैं, चाहे गेमिंग या स्ट्रीमिंग करनी हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो या कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज करने हैं। इनके लिए स्पेसिफिकेशंस काफ़ी मैटर करती हैं। और तीसरे आते हैं प्रोफेशनल यूजर्स, जिन्हें अपने कंप्यूटर्स पर सब कुछ हाई एंड चाहिए, लेटेस्ट सीपीयू, लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड, हाई फ्रिक्वेंसी मेमोरीज एट्सेट्रा। आपको ये देखना है कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कोई डिसीजन बना पाएंगे। और अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंस के बारे में। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। देखिए, लैपटॉप्स काफ़ी मोबाइल कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब इन्हें आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। आपको ऑन द गो अपना कोई काम या प्रोजेक्ट करना हो, आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को आप आसानी से कहीं पर लेकर नहीं जा सकते, ये काफ़ी बल्कि होते हैं, जिन्हें आप सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस पर बैठ कर ही यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपग्रेड पाथ। देखो, ये पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर एक बार आपने अपने लिए लैपटॉप चूज़ किया तो फिर आप उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे। जो कंपोनेंट्स आपको मिले हैं उन्हीं से आपको 2-3 साल अपना काम चलाना पड़ेगा, चाहे आपका लैपटॉप आपको कितना ही लंबा लाइफ स्पैन प्रोवाइड क्यों ना करे। दूसरी तरफ डेस्कटॉप पीसी में कंपोनेंट्स अपग्रेड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो कंपोनेंट अपने पीसी में अपग्रेड करना हो आप इजीली कर सकते हो। इवन डेस्कटॉप पीसीज में आप लेटेस्ट जनरेशन के प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो। और फिर आता है कस्टमाइजेशन पॉइंट। देखो, आप अपने लैपटॉप में अपने अकॉर्डिंग मनचाहे कंपोनेंट या डिवाइस ऐड नहीं कर सकते। जो भी फीचर्स आपको कंपनी या ब्रांड प्रोवाइड करके दे रहा है आपको उन्हीं के साथ जाना होगा। अगर हैवी यूसेज की वजह से आपकी बैटरी काफ़ी ड्रेन हो रही है या आपका लैपटॉप काफ़ी हीट हो रहा है तो उस सिनेरियो में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आपको लैपटॉप परचेज करते वक्त उनकी स्पेसिफिकेशंस को काफ़ी ध्यान में रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप डेस्कटॉप पीसी का हर एक पार्ट अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और उसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, कि आपको कौन सा सीपीयू चाहिए, कितनी रैम चाहिए, कैसे बुक्स या एस्थेटिक्स चाहिए, कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना है। बिना किसी दिक्कत के आप लॉन्ग आवर्स तक इन्हें यूज़ कर सकते हो। हीटिंग इश्यूज की इनमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने एयर या लिक्विड कूलर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा होगा। A to Z इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और फिर बात आती है परफॉर्मेंस और बजट की। तो देखो, करंटली आप चाहे लैपटॉप्स की बात करो या फिर डेस्कटॉप की, दोनों ही आपको काफ़ी पावरफुल देखने को मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन फिर बात आती है बजट की। पावर और परफॉर्मेंस इन दोनों में आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनकी प्राइस और कॉस्ट भी आपको उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इसीलिए आपको इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और अब हम बात करते हैं हमारे फाइनल कंक्लूजन की। तो चाहे आप लैपटॉप चूज़ करें या फिर डेस्कटॉप, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, उनकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या हैं, प्रोडक्ट्स के रिव्यू इंटरनेट पर जरूर से चेक कर लें, अच्छे से रिसर्च करके ही अपना कोई फाइनल डिसीजन बनाएं। आपको अपना पर्सनल कंप्यूटर चूज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। लाइक, शेयर और कमेंट करके अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।